तो देखो ये टाइगर, टाइगर जिंदा है। देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अरे नहीं, पास आ रहा है मतलब। यही पास में आ जाएगा, देखो यही आगे, देखो ये रहा मुंह इसका। तो देखो बैठा है। तो देखो ये लोग ऐसे खाना खाते हैं, देखो ये देख रहे हो कैसे देख रहा है, एकदम लगता। अरे मुंडी घुमा लिया कैसे। तो दोस्तों ये है गौर गाय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गाय यही है। अरे ये सीन किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? मुझे नहीं लगता कि कोई देखा होगा, क्योंकि एकदम ये इलाके में है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो जैसे कि देख रहे हो आप लोग, मैं अभी हूँ दिल्ली के जू में, और आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पूरा जू। तो कैसे इधर आया मैं और कैसे टिकट लिया, कैसे अंदर आया, सब आप लोगों को शुरू से दिखाऊंगा। तो पहले शुरू में चलते हैं बाहर, और फिर बाहर से फिर अंदर आते हैं। तो चलो मिलते हैं बाहर में। तो देखो दोस्तों, मैंने बाइक यहाँ पर लगा दिया है पार्किंग में, अब चलो चलते हैं। तो उधर है टिकट काउंटर ऑफलाइन के लिए, बाकी इधर QR कोड लगा हुआ है ऑनलाइन के लिए। तो चलो ऑनलाइन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन टिकट बुक नहीं हो रहा, या तो टिकट आपको खुद ही बुक करना होगा, ये जो डायरेक्शन दिया गया है। अगर खुद बुक कर लोगे तो 80 रुपये का पड़ेगा, अगर नहीं तो यहाँ पे बंदे घूम रहे हैं जो कि 100 रुपये लेते हैं, तो टिकट बुक करके देते हैं, आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। तो मैंने खुद ही बुक कर लिया 80 रुपये का, आसान है बिल्कुल, ये देख कर अपना कर सकते हो, और UPI से अपना पेमेंट करके बना सकते हो टिकट। तो यहाँ पे आने के लिए आप बस से आ सकते हो और मेट्रो से आ सकते हो। मेट्रो यहाँ का नज़दीकी नेशनल जू है, बाकी अपना पर्सनल व्हीकल से आ सकते हो। बाइक का पार्किंग 33 रुपये है, जो कि शाम के 7 बजे तक है। चलो अंदर एंट्री लेते हैं। तो एंट्री कर लिया मैं। जो आप टिकट बुक करते हो, QR कोड का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, उसी से एंट्री होगा यहाँ गेट से, और फिर उसी से एग्जिट भी होगा। तो ज़रूर स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। चलो, करीब 12-13 साल बाद आया हूँ मैं फिर से अपने चिड़ियाघर में। बचपन में आया था, जो फूल है, फूल के छोटे भाई के साथ आया था मैं, 2010 या 2011 में आया था मैं। उसके बाद आज आया हूँ मैं इतने दिनों बाद। मैं तो चाह रहा था नाजिया को भी लाने का, मगर नाजिया नहीं आ पाई, तो नाजिया को किसी और दिन कहीं और ले जाएंगे, या फिर यहाँ पे आना चाहिए तो फिर से आ जाएंगे। अगर आप लोग अच्छा प्यार दोगे, अच्छा व्यू वगैरह दोगे, तो यहाँ पे फिर से नाजिया को लेके आएंगे। यहाँ पे इतना भीड़ रह रहा है कि फोटो खींचना खिंचवाना, घंटों इंतजार करना पड़ जा रहा है। चलो चलते हैं अंदर, अपना थंबनेल हो गया, बाकी अंदर का जानवर देखते हैं। तो देखो ये पार्क बहुत ही बड़ा है, अगर आप थोड़ा ओल्ड एज हो तो पैदल चल के घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए गाड़ी भी है बैटरी वाला, इसका टिकट भी करा सकते हो। ये लोग रुक रुक के दो दो मिनट, एक एक मिनट ऐसे ही रुक रुक के दिखाते हैं, बाकी आराम से आपको देखना है तो पैदल चलो। इधर है बत्तख। अंदर में खाने पीने का सामान यहाँ पे मिल जाएगा, देखो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सिर्फ चिप्स वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, बाकी खाना पीना लेके अंदर नहीं आना है, ना ही पानी का बोतल लेके आ सकते हो। यहाँ से टिकट होता है ये बैटरी रिक्शे का, जो कि कितने का, अडल्ट का 77 रुपये का है, बच्चों का 44 रुपये का। अब देखो, मैं पहले भी आया हूँ तो मुझे मालूम है किस साइड में क्या दिखने वाला है। यहाँ से दो रास्ते हैं,
अगर ये राइट में जाओगे तो बड़े शेर वगैरह लॉयन वगैरह सब देखने को मिलेगा, लेफ्ट में जाओगे तो शुरुआत होगा गेंडे वगैरह से, चिड़िया वगैरह से। तो लेफ्ट से चलते हैं, राइट से होते हुए आएंगे, तो ऐसे हम लोग देखेंगे। तो देखो शुरुआत में ही अपने को देखने को मिला नील गाय, वो बहुत दूर है नील गाय, यहाँ नील गाय अभी तो देखो, अभी तो देखो ये है नील गाय ब्लैक। अब नील गाय देखने के लिए इधर जू में तो आने की जरूरत नहीं है, हमने गांव में ही देख लिया था नील गाय, बाकी जो हम ऐसे नहीं देखे हैं वो देखने जा रहा हूँ मैं आगे। तो देखो यहाँ पे पास में है जल पक्षी, इसको जल पक्षी बोलते हैं, देखो इसके ठोड़ कितने बड़े। तो देखो इस पेड़ पे कितने सारे बैठे हैं जल पक्षी, बाकी इधर सब मैप है किधर क्या सब दिखेंगे। देख रहे हो कितना बड़ा है, घूमते घूमते 2-3 घंटा लग जाएगा। देखो इधर पानी पीने का भी है, पता नहीं है कि नहीं है, देख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखा दूं, है शायद है। हाँ पानी ठंडा है, बिल्कुल ठंडा पानी पीने का मिल जाएगा, तो लाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे है शेर पूछ बंदर, जो कि इनका जो पूछ रहता है शेर वाला रहता है, तो इसीलिए इनका नाम है शेर पूछ बंदर। एक वो रहा, एक वहाँ पे है, मैं इधर आया तो वो उधर भाग गया, देखो हम वहाँ पे था मैं तो इधर आ गया था। बाकी ये है इधर देखो, और ये सेफ्टी के लिए बीच में ये होल रहता और पानी रहता भरा हुआ, ताकि वो लोग इधर ना आ जाए पब्लिक में। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा है अपना ये दिल्ली का जू, और सारे जानवरों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ, सभी दिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हर एक जानवर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। देखो यहाँ पे मोर है, उसका गर्दन नीला है बिल्कुल, देखो ये वाला, ये वाला। तो ये है पड़ा पड़ा हुआ, तो यहाँ पे दिखे सब इतने सारे, देखो बारासिंगा, देखो कितने पास आ गए हैं, पानी पीने आए हैं। इसका सिंह है 12, बाकी सबका छोटा छोटा है। तो ये लोग सांभर हिरन है, लोग बारासिंगा नहीं, सांभर साउथ वाला सांभर। पानी तो है ही नहीं इसमें, वो लोग पीते क्या होंगे, शायद उस साइड होगा। तो देखो ये है काले हिरन, देख रहे हो इसमें कुछ काले हैं बाकी ब्राउन है, कुछ आधे काले आधे ब्राउन है, एकदम पूरा काला नहीं दिखा इधर। तो इधर कुछ खाने को लिए लाना नहीं है और अंदर खरीदना भी है तो खुद ही खाना है, बाकी किसी पक्षी को किसी जानवर को खिलाना नहीं है, वो मना है। तो दोस्तों ये है गौर गाय, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गाय यही है, ये गाय सिर्फ यही दिल्ली के जू में देखने को मिलेगा, देख रहे हो। तो इसके अंदर में है तार बिल्ला, तार बिलाओ है नहीं अंदर में है, हो रहा ऊपर 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 चढ़ के बैठा है, देखो जंगली बिल्लियां तो है ही नहीं, किधर है जंगली बिल्लियां, अंदर में घुस के बैठी है लोग जंगली बिल्लियां। बंगाल की लोमड़ी भी नहीं है इधर, देखो गड्ढा खोद खोद के क्या की है, इसके अंदर ही घुसी होगी। तो देखो ये रही शीतल डियर, डियर शीतल, देखो ऐसी दिखती है डियर शीतल। मोर और शीतल की मिलन हो गई।
यहाँ पे बहुत सारे शीतल डियर है लोग, ये देखो कितने सारे शीतल डियर। ये देख रहे हो एक हिरन का, वही जो श्रृंगला श्रृंग क्या है वो श्रृंगी हिरन ब्राउ एथलेट डियर का बच्चा एक अकेले में आके चुपचाप बैठा हुआ है, सब लोग उधर है। देखो ये बेचारा अकेले, माँ कुछ बोल दी होगी, ये चुपचाप आके बैठा इधर। मन कर रहा है घर लेके चला जाऊं, नाजिया पालेगी तो देखो यहाँ पे वो देखने को मिलेगा जो कि हर घरों में सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, खा खा के गेंडा हो गया है, खा खा के गेंडा हो गया है, तो वो रहा गेंडा देखो पानी में है गेंडा। तो देखो ये है भारतीय गेंडा, पानी में सो रहा है। तो जो मैंने वहाँ पे बोल दिया था बारहसिंगा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि देखने को मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे कोने में बैठे हैं। चलो ये चिड़िया देखने चलते हैं पहले, पक्षी, फिर बाहर आएंगे तो बारहसिंगा देखेंगे। इधर से घुसते सब चिड़िया वगैरह देखने को मिल जाएगा जाल में। ये देखो तोता, नील पीला, नीला पीला मकाओ, तो ये है नीला पीला मकाओ। देखिए ग्रीन येलो मकाओ, लाल हरा मकाओ, देखो ये रहा लाल हरा मकाओ, ये देखो लाल है यहाँ पे, ये है इलेक्ट्रस तोता। तो इधर है तीतर, देखो तीतर, घुसर तीतर आ रहा पास में ही। तीतर के दो पीस। जाली इतना लगा दिए जैसे ये लोग तोड़ के भाग जाएंगे डबल डबल जाली लगा है, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा। मुर्गा मुर्गा देखो, कुक्कुट कुक्कड़ कुक्कड़ जरा कुकड़ू कु तो देखो जब मैं आया था 2011 में तो ये सब मैंने फोटो खींचा था, उस समय तो वीडियो बनाता नहीं था, तो फोटो खींच के फेसबुक पे मैंने डाला था, जो कि आज तक अभी भी है। ये सब मुर्गे वगैरह भी देखो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो कभी गांव नहीं गए हो वो आके यहाँ पे मुर्गा वगैरह देख सकता है। छोटा धनेश, देखो ये छोटा धनेश, जो कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि दिखाऊंगा, तो चलो दिखाता हूँ। ये रहे बारहसिंगा, फोकस लो, ये रहा, ये बैठे हैं बारहसिंगा, देखो देखो ये रहा गिद्ध है, गिद्ध, ये मिस्री गिद्ध है, इजिप्टियन मिस्रियन गिद्ध, देखो यही नोच नोच के खाता है। ये देखो इसका, देखो रहा उल्लू, यार इधर से देखो ना, इसमें से कैसे मुझे ही देख रहा है, खतरनाक लग रहा है ये, है ना। इधर से देखो ना, इधर से ज्यादा, ये देख रहा हूँ कैसे देख रहा है, एकदम लगता, अरे मुंडी घुमा लिया कैसे, ये घूम गया। यहाँ क्यों इतना भीड़ है, क्यों इतने बच्चे डर रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं कौन डरा रहा है इन लोगों को। अरे ये तो ये है मार्स क्रोकोडाइल, चलो मुंह खोल के बैठा है,
जैसे कि प्लास्टिक का हो। देख रहे हो ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे प्लास्टिक का रख दिया गया हो। बिल्कुल हिलते ही नहीं है, ना इनका पेट हिलता है सांस लेते हुए, ना कुछ भी। ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का है, नकली। अब देखो यहाँ पे इतने रास्ते हैं कि कोई ना कोई रास्ता तो छूट ही जाएगा। और देखो उधर से भी जाने का एक रास्ता था लेफ्ट में, उधर भी कुछ दिखता, पर मैं इस वाले रास्ते पे घुस गई ये क्रोकोडाइल देख के। देखो ये है ओरिएंटल पाई। सच बोलो कि जब मैं उस समय आया था, बच्चा था, मैं सब भूल गया हूँ। अब जो देख रहा हूँ ये समझो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसे ऐसे पक्षी, ऐसे ऐसे चिड़िया जो भी है। अभी तो मैं बाघ भी देखे कितने दिन हो गया है, 12-13 साल, सब भूल गया हूँ मैं। आज रियल लाइफ में सब ये सब देख रहा हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, अपने को शेर दिख गया, खड़ा हो गया। पिछली बार भी आया था तो मैंने शेर देखा था और मुझे आज भी याद है कि शेर जब डरा रहा था उस दिन तो एक लड़की डर गई थी ऐसे, और मुझे वो बात आज तक याद है और हमेशा याद आता है तो मैं हंसता हूँ कैसे वो लड़की डरी थी। ऐसे ही आवाज़ उस दिन भी निकाल रहा था जैसे आवाज़ अभी निकाल रहा है, देख सकते हो आप लोग कैसे आवाज़ कर रहा है एकदम। उस समय तो रूम में था, जो इसका रूम है हम लोग उसी के बगल में खड़े थे और आवाज़ दे रहा था, तो रूम में और गूंज रहा था तो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रहा था इसका। उसी दिन मैंने इसका शेर का आवाज़ सुना था रियल लाइफ में और आज भी देखो हमने देख लिया, आवाज़ भी सुन लिया। तो देखो दोस्तों, वो शेर उठा था बस हमें दिखाने के लिए कि हाँ ये ब्लॉग बनाने आया है, और फिर बैठ गया। अब बैठने के बाद दिख ही नहीं रहा है। देखो ये है एशियाई शेर, एशियाई सिंह लायन। आवाज़ दे रहा था कैसे आप लोगों ने देखा। यही है कि जूमिंग करो ना तब क्लियरिटी फट जा रहा है। तो देखो डायनासोर अगर जिंदा रहते तो उनको यहाँ पे रखा जाता, अब वो नहीं है तो उनका पुतला रख दिया गया है। मैं ढूंढ रहा हूँ ये सांप वगैरह किधर देखने को मिलता है, इधर अंदर में क्या। देखो सफ़ेद बिल्ली दिखी मेरे को, हाँ शेरों के बीच में बिल्ली, और मोर बिल्ली के पास में डर भी नहीं रहा है। अरे ये कैसी दोस्ती है, देखो मोर और बिल्ली की दोस्ती। भाग गई हो रही सफ़ेद बिल्ली, देखो यहाँ पे यहाँ पे। हाँ तो जो मैं ढूंढ रहा था, देखो नीचे सांप घर और चिंकारा वगैरह सब इधर देखने को मिलेगा, जैगवार वगैरह सब इधर ही है। इधर से आया मैं शेर देख के, इधर ही जाओ राइट में। तो देखो ये रहे चिंकारा, चिंकारा है ये सब। देखो चिंकारा सब, एक उधर अंदर में अपना उधर भटक रहा है। तो दोस्तों जब मैं उस समय आया था तो 10 रुपये का टिकट था, अभी 80 रुपये का टिकट हो गया है, इतना ही फर्क हुआ है बस। बाकी सब सेमी जानवर है लोग, जो उधर से स्टार्ट करो और इधर से एंड करते हुए जाओ, तो सब वही सेमी है, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। तो ये रही हाथी, देखो वही जगह है हाथी वाला भी, जो कि हमने आज से 10-12 साल पहले देखा था। भारतीय हाथी है वो, उधर अंदर में है देखो कितना बड़ा, वो आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, उसको बांध के रखा गया क्या। देख रहे हो अंदर में वो जो मुंह हिला रहा है, वो सबसे बड़ा है और उसका दांत भी है बहुत बड़े बड़े। तो देखो ये है पंकिल मगर, ये भी वैसे ही सोए हैं बिल्कुल प्लास्टिक जैसा, ये लोग हिलते ही नहीं है। तो देखो दोस्तों ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। ये कौन सा मीनार है, कुतुब मीनार नहीं है। तो चलो, बहुत दिनों से सऊदी से ही सोचता था मैं कि जाऊंगा तो चिड़ियाघर घूमूंगा,
अगर इस पर अच्छा प्यार मिलेगा तो नाजिया और मैं आएंगे और फिर से आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत ही बड़ा है, थक गया मैं चलते चलते। बाकी अभी तो बाकी ही है वो सांप घर देखना और वो जो शेर बाघ वगैरह सब देखना, तो अभी देखेंगे, देखते हैं इधर क्या है। सब बोर्ड लगा रहता है, मेरे को सांप घर देखना है क्योंकि मैं पिछली बार सांप नहीं देखा था, तो अपना किस्मत ही खराब है। उधर गार्ड साहब खड़े हैं अंकल, मैंने उससे पूछा सांप घर क्यों नहीं दिख रहा है, तो बोले कि बंद हो गया, ठंडियों में बंद रहता है, सिर्फ गर्मियों में खुलता है, चार महीने के लिए बंद रहेगा। तो इधर है बाघ, वाइट बाघ देखो, सफेद बाघ देखो क्यों उधर एंड में है। तो इतने दिनों से मैं सोच रहा था आने का, आया भी तो सांप घर बंद हो गया। तब देखो इसी में वो घटना हुआ था जो एक बंदा गिर गया था, तो यही बाघ वो खा गया था, तो उसके बाद ये सब लग गया है, नहीं तो पहले यही था, वो उतना ही ऊंचा था बस। तो इधर से वो गिर गया था बंदा इधर नीचे में, और देखो सफेद बाघ। देखो ये है सफेद बाघ, ये देखना कैसा चीता लग रहा, ऐसा लग रहा किसी ने वो जो टॉय होता है वो ही फेंक दिए हैं, मगर सांस चल रहा है। ये सब मगरमच्छ तो देखना ही बेकार है, ये लोग तो प्लास्टिक जैसे लग रहे हैं। ये घड़ियाल है, देखो घड़ियाल वैसे ही लेटा हुआ है बिल्कुल मुंह खोल के। तो देखो घड़ियाल भी, वो छलांग बहुत तेज लगाते हैं, तो इसमें भेड़िया रहता है। देखो इसके लिए बहुत ही गहरा बना रखे हैं और वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो दोपहर का अभी 3 बज गया है और मैं भी भूखे प्यासे ही घूम रहा हूँ, खाना वगैरह खाया नहीं, बाहर जाके खाऊंगा। तो देखो ये है टाइगर, टाइगर जिंदा है देखो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अरे नहीं पास आ रहा है मतलब देखो क्या मस्त रियल है, देखो एकदम आगे पीछे कर रहा तब से, एक ही है। तो देखो इधर है शाही, अरे वो देखो शाही, ये जो है ना इसके काके इतने होते हैं, काके से मार देते हैं, बहुत सारे काटे ही मारता है। गांव में मैंने देखा है इनको, इनका नाम शाही है। वो रहा टाड़ बिलाव देखो कैसे दो बैठे हैं टाड़ बिलाव, मुंह कैसे अंदर करके, इसी को घूस बोला जाता है क्या गांव में? देखो ऐसे रहते हैं और वो दोनों है लोग। देखो इधर है ये दोनों टार बिलाव, इधर है लंगूर, देखो ग्रे लंगूर, ये रहा लंगूर, ग्रे लंगूर, शकल दिख ही नहीं रहा इसका, काला है बिल्कुल, कालू है अपना कालू। ये इधर है चीता, ये चढ़ जाओ भाई कहीं पे भी, ये निकल के आया था इसलिए इसको जाल में रखा गया है। वो व्हाइट वाला भी है ना, अरे ये रहा ना एक, ये रहा, देखो ये तो देख ही नहीं रहा था मैं, चिंता बोले देखो कितनी पास आ गई। खाने देने के लिए
चलो ये पास में आ जाएगा, देखो ये आगे देखो ये रहा मुंह इसका। देखो अरे यहाँ से क्या नज़ारे लग रहे हैं, बिल्कुल देखो यहाँ कोई जाली वगैरह भी नहीं लगा है। यह है वाटर पक्षी, वाटर बर्ड, यह पानी पक्षी बकुला। वो कौन सा गाना गाते हैं, बकला बकला दाना दे चिनिया बादाम दे, तो नाखून पे आ जाता है। आएगा आएगा तब इधर दिखेंगे भालू। उस समय कई चीज़ों मैंने नहीं देखा था, जैसे कि यह सब भालू वगैरह नहीं देखा था मैंने, जो कि आज आया हूँ देखने। देखो काला भालू वहाँ पे घूम रहा है। स्लॉथ बियर, ये तो स्लॉथ बियर है। ये है रीच, रीच स्लॉथ बियर। ओ देखो ऊपर चढ़ रहा है, देख कैसे चढ़ेगा। ए चढ़ रहा है, ओ वाह कैसे चढ़ गया। आलू बहुत आलसी हो गए, ये पांडा लेट गया अपने जाके बिस्तर पे। क्या कर रहे हैं, योगा? योगी वाला है, हीरा फेरी वाला पांडा वाला है। चलो अच्छा ये पांडा बोलो कम टू माय दोरी। अभी देखो इसकी माउथ, देखो बेटा माउथ देखो, इसका यह छोटा सा है, बेटा कीड़े हो जाएंगे, चला जा। छोटे कितना प्यार है, देखो बैठा है। तो भालू इधर मिलेगा, वो जो था वो भालू नहीं था और लोग उसी को सब भालू बोल रहे हैं। यहाँ का भालू दिख ही नहीं रहा है किधर है। देखो काला भालू इधर है अपने घर के अंदर, बगल में उसके बिल्ली भी है। ये पीछे के साइड से हम देखने आए हैं। वो खाना खा के उधर ही निकलता है जिधर। हाँ देखो रहा काला भालू ये ये है। देखो ये है गोरल बच्ची बकरी बोल रही है गोरल को। अरे ये सीन किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, मुझे नहीं लगता कि कोई देखा होगा क्योंकि एकदम ये इलाके में है और कोई इधर आ पाता नहीं होगा। चला 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 देख रहे हो कितने सारे बकुले पिंजरे में। ये देखो ये देखो ना कौन कौन यहाँ तक आया है, कमेंट करके जरूर बताना। देख रहे हो तो दोस्तों 12:30 बजे का घुसा हुआ, अभी 4 बजने वाला है और अभी भी पूरा खत्म हुआ नहीं। अभी देखो घूम घाम के मैं यहाँ पर पहुँच गई ये कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार बोले जो यहाँ का, ये मैंने कुतुब मीनार उस समय बोला था पूरा, ये कैसे कैसे गली है, कैसे कैसे जाना आना है। एकदम थक गया हूँ और भूख भी लगी है, 4 बज गए, अभी तक खाना वगैरह खाया नहीं हूँ। बाहर जा रहा हूँ मैं, जो भी देखना था देख लिए। तो बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है और यहाँ देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शुतुरमुर्ग, हो रहा शुतुरमुर्ग।
अगर राइट से आते तो पहले ही आपको देखने को मिलता, लेफ्ट से आया तो लास्ट में मेरे को देखने को मिला शुतुरमुर्ग। ये देखो वो देखो आया बड़ा वाला, तो ये दोनों शुतुरमुर्ग आ रहे हैं आपके पास देखो चलते हुए। आजा स्नेहा, ऑस्ट्रिच बोलते हैं बाबू इसको। देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है, पैर देखो पैर इंसान जैसे ही पैर हैं। तो देखो ये लोग ऐसे खाना खाते हैं, देखो उन लोगों का खाना उधर रखा हुआ है और खा रहा जाके। तो देखो ये दूसरे वाले शुतुरमुर्ग जो ये थोड़े छोटे हैं, ये शुतुरमुर्ग नहीं ये इमू है, इमू उतना दूर रखा गया देखो, शायद वो लोग उछल के आ जाते हैं इसीलिए। ये रहे बत्तख। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने देखा पूरा दिल्ली का जू, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलो इस वीडियो में इतनी था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, वसलम, टेक केयर। बाहर आके मैं चाउमीन खा रहा हूँ।